नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही जिले में लगातार शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। बच्चों की शिक्षा के लिए जिले का शिक्षा विभाग कितना सजग है, इसका एक उदाहरण पाटी ब्लॉक के मेघा गांव से प्रकाश में आया, जहां शिक्षा विभाग की पोल पाटी जनपद पंचायत अध्यक्ष व जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि व अन्य जनप्रतिनिधि ने ही खोल दी। दरअसल जनपद पंचायत अध्यक्ष थान सिंह सस्ते, जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनोज डांगी, अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ग्राम मेघा गांव के शासकीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ग्राम मेघा की प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक 12 बजे तक स्कूल से नदारद मिले, न ही इसका कोई अवकाश स्वीकृत था, न स्कूल में मौजूद शिक्षिका को इसकी सूचना थी। इसी तरह मिडिल स्कूल में निरीक्षण के दौरान दोनों ही शिक्षक स्कूल से नदारद मिले। स्कूल में दो बच्चों के साथ एक युवा मौजूद था जो कि अपने आप को अतिथि शिक्षक कह रहा था। उनसे वहां पर पदस्थ शिक्षकों के बारे में पूछने पर एक शिक्षिका अवकाश पर होने व दूसरा शिक्षक बीआरसी कार्यालय में जाने की जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान का समय दोपहर के 12 बज रही थी, तब तक स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं थे। इसके अलावा कातर फलिया बुद्धि की प्राइमरी स्कूल में शिक्षक तो मौजूद थे, साथ ही बच्चों की उपस्थिति भी मौजूद थी, लेकिन शिक्षा का स्तर कम होने से अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए।